जीरा ने एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की और उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और उनका जो फाइनेंशियल डाटा है उससे एविडेंस लिया है, जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है, कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब जिसका नारायण का नाम है अगलीगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं, 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशियस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जिबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है, क्या इंडिया के इतने पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि इंडिया इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और वो भी अपने बॉर्डर से अपनी सरजमीन से बहुत दूर। इस सारी डिस्कशन को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल धनवीर सिंह साहब से, मॉरिशियस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली, इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता, इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है और इंडिया ने बेस मॉरिशियस में ही जो आप बता रहे हैं, वैसे मैंने ये खबर पढ़ी नहीं है लेकिन क्योंकि आप अल जजीरा का हवाला दे रहे हैं तो खबर बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी और ये मॉरिशियस में नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपने जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना, वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं, हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। आइडिया होता है कि उसकी जो उस मुल्क को इन्फ्लुएंस में रखना, आइडिया ये नहीं होता कि वहां पे फौजें रख के और कोई जंगी तैयारी करना, वो जंगी तैयारी के लिहाज से कोई भी बेस नहीं है। हमारा सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है, तजाकिस्तान में है और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है, भूटान में है और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। तो इस तरीके की मिलिट्री बेसिंग नहीं कहते हम लोग उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, जिसके अंदर कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं होती है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं होती है और हम उस मुल्क की आर्मी को ट्रेन करते हैं, उस मुल्क की आर्मी को असला प्रोवाइड करने की जरूरत होती है तो वो करते हैं, इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा कल सर ये भी बताइएगा, जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जो ग्रेट पावर्स का है जिसमें इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है क्वाड में और चाइना उसके मुकाबले में है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है ये एक ट्रेनिंग मिशन है और इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी एनहेंस कर रहा है, और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है, क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है, और फिर इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, क्योंकि रिसेंटली जो कोविड में हुआ कि इंडिया को हेल्थ कवरेज ना होने की वजह से पेंडेमिक है, तो कभी भी नुकसान हो सकता है दुनिया में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इंडिया ने क्या अपने रिसोर्सेज ठीक जगह पे लगा रहा है, इतनी ज्यादा मैसिव मिलिट्री बिल्डअप जो है वो क्या वाकई प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी, जो कि हम समझते हैं कि हेल्थ और जो बाकी सोशल सिक्योरिटी से अचीव होगा, या कि वो समझता है इंडियन माइंडसेट ये समझता है कि अब इंडो पैसिफिक में अब इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी और अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना ही पड़ेगा, इसी से इंडिया का ग्लोबल इमेज बढ़ेगा? देखिए इंडिया की इकोनॉमी तकरीबन $4 trillion की है और चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन $4 trillion इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती, और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। अच्छा आप यानी कि लेकिन जब आप वहां पे मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशियस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशियस मेन आइलैंड से, तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशियस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशियस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है वो स्ट्रेट ऑफ करेक्शन, ये आपका स्विस कैनाल सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक ये पूरा आर्क स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है और फ्रेंच नेवी इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से और उसी चीज के लिए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बड़ा बढ़ रहा है, $4 trillion की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी, ट्रेड है, अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है,
इसराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया, अब इसराइलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए, तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा। और कल अगर ईरान और इसराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है। तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपने अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तफ्तीश बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अच्छा कल सब, एक मिलिट्री के रिलेटेड सवाल है आपसे, क्योंकि आप फौजी हैं, आर्मी से हैं, ये बताइएगा कि क्या अब क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया के जो थ्रेट्स हैं वो पहले नॉर्थ में रहे, ईस्ट में रहे, अब क्या थ्रेट्स बदल रहे हैं? तो क्या अब वो जो इन्वेस्टमेंट आप करते थे कि भाई टैंकों पे इन्वेस्टमेंट हो गई, पाकिस्तान के हवाले से इन्वेस्टमेंट हो गई, या चाइना के साथ चलो लैंड के मामला तो नहीं है, तो क्या अब आप जो नेचर ऑफ थ्रेट है या जो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो आर्मी से हटाकर एयरफोर्स और नेवी पे होगी? दिस इज व्हाट डू यू थिंक इज द माइंडसेट ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो पूरा फोकस हो गया है, अगर आप देखें जिस तरीके से डेवलपमेंट नेवी के अंदर हो रहे हैं, एयरफोर्स की एसेट बिल्डिंग हो रही है, तो फोकस अभी एयरफोर्स और नेवी के ऊपर है, लार्जर गेम में शामिल है और उसी तरीके से तैयारी भी है। और आर्मी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है, और जो फिलहाल लो लेवल थ्रेट जो है उसके लिए आर्मी के पास इक्विपमेंट और वो सब पूरा है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो टोटल 6 बननी है, उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन अलग है, एंटी शिपिंग एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है।